की तुम न किसी नेता और अभिनेता की नकल करे
क्योंकि हमने सुना है राजाओं का भी खात्मा हो गया, महाराजा भी खत्म हो गए, न मुगल रहे, न मराठे रहे, न राजपूत रहे, न अंग्रेज रहे, सबकी सल्तनतें थी, सब फिनिश हो गए, उनका नामो निशान नहीं है, एक अंबेडकर का लाल है जिसकी पैदा हुआ उस दिन से लेकर आज तक उसका सिक्का चलता था, चलता है और चलता है। क्योंकि अल्लाह ने अमीना के लाल को बनाया ही ऐसा है, देखिए ये लंबा वक्त हो जाएगा मगर इशारा करें। हुजूर मोसे पाक फरमाते हैं, इनकी आंखों का पावर तो देखो, मोसे पाक फरमाते हैं कि ये समंदर के नाते हैं पूरी दुनिया में पानी ही पानी है, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने कि ये समंदर कितना गहरा है, इसमें कितना पानी है, इसमें क्या खजाने हैं, अल्लाह और उसके रसूल के सिवा कोई नहीं जानता। मगर अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, मैं समंदर पर एक जलाली नजर डालूं, ऐसे जला उसे देख लूं तो पूरे समंदर को मैदान बना दूं। करीब नवाज जिनकी सल्तनत आज भी बाकी, वाकिया निगारी मकसूद नहीं है, मगर गोस कुतुब ख्वाजा अब्दाल कलंदर जितने दुनिया में है सब जमा हो जाए, अब इनका पावर कितना होगा, क्योंकि इकट्ठा होने में बहुत पावर नजर आता है, इकट्ठा रहेंगे तो पावर वाले रहोगे। ये गोस कुतुब अब्दाल कलंदर जमा हो जाए, अगर फिर भी उलमा फरमाते हैं कि तमाम औलिया एक तरफ और रसूल अल्लाह का सहाबी एक तरफ, रसूल अल्लाह के सहाबी बराबर कोई नहीं हो सकता, न गोस कुतुब कलंदर एक नहीं हजारों अनेक, तो फिर मुझे कह देने दिया जाए उम्मत मुस्तफा के औलिया सहाबा के बराबर नहीं, और मेरे आका के सहाबा कहीं सिद्दीक के पास सदाकत, कहीं उमर के पास अदालत, कहीं उस्मान के पास सखावत, कहीं अली के पास शुजाअत, ऐसे सदाकत वाले, अदालत वाले, ताज वाले, तख्त वाले जितने भी सहाबा है सब जमा हो जाए तो अल्लाह की एक नबी के बराबर नहीं, सहाबा कितना भी बड़ा हो जाए नबी नहीं हो सकता। और हजरत आदम से लेकर ईसा तक अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है, कितने नबी आए, कितने रसूल आए, अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं। लोग कहते हैं 1,24,000, तो फिर बोलना पड़ेगा कमो बेश कम हो या ज्यादा, 2,80,000 कमो बेश ज्यादा या कम, पता चला अंबिया व मुरसलीन की तादाद सिर्फ अल्लाह को ही मालूम है, मगर अल्लाह फरमा रहे हैं आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबी जमा हो जाए, ये तमाम नबी आमिना के लाल के बराबर नहीं, मुस्तफा जाने रहमत के लाल के बराबर नहीं। खुलासा कलाम ये दे रहा हूँ, मुस्तफा जाने रहमत की पैरवी करें। अल्लाह के नबी हजरत अली से कहते थे, अली तुम अपने बेटों को तालीम दो, तुम अपने बेटों को तालीम दो कि उनके दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा हो जाए। रसूल अल्लाह की मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं। आप कितने भी नमाजी हैं, हाजी हैं, गाजी हैं, आलिम हैं, मुफ्ती हैं, पीर हैं, सरकार की मोहब्बत नहीं, ये डिग्री हो सकती है मगर मोहब्बत नहीं, ये डिग्री खुदा की बारगाह में मकबूल नहीं हो सकती। अब वक्त की किल्लत है, इशारे में चले, अल्लाह के रसूल से आपको प्यार हो जाएगा, आपका दुनिया और आखिरत में बेड़ा पार हो जाएगा। और सरकार मोहब्बत करने वाले के साथ साथ रहते हैं। आइए अक्सर व बिस्तर हम बचपन से देखते आए हैं कि गुंडाओं की अलमुर्तदा शाही जामा मस्जिद में अल्लाह के कलाम की तिलावत के बाद कई सालों से, कई जमाने से हमारी जामा मस्जिद में दुरूद ताज पढ़ा जाता है। दरूद ताज यानी दरूदों का बादशाह, जितने दरूद हुए इन तमाम दरूदों के ताज का नाम, बादशाह का नाम
करोगे ताज। अब हम अहले सुन्नत वल जमात दुरूद ताज को सिर्फ मानते ही नहीं, हम उस पर अकीदा भी रखते हैं। हमारा उस दुरूद ताज के एक ग्रुप पर हमारा संपूर्ण विश्वास था और है, मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो दुरूद ताज को नहीं मानते। मैंने कहा कि साहब आप क्यों नहीं मानते? कहा दुरूद ताज के अंदर एक शब्द आया है, दाफिउल बला वल मगर वल कहर वल मरज। बोले इसको रसूलुल्लाह को दाफिउल बला कहा है, यानी बला को दूर करने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं, इसीलिए हम दुरूद ताज को नहीं मानते। अब सुनिए, एक आशिक रसूल, खुद आले रसूल और आशिक रसूल, जिनका नाम हजरत सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह फिर पाकिस्तान, बहुत बड़े आशिक रसूल और आले रसूल हुए। एक एक मिनट रसूलुल्लाह उनको जवाब देते। एक दिन के सफर में थे, देखो आले रसूल को तो बहुत ध्यान रखना चाहिए सुन्नतों का। जो आले रसूल है हसनी हुसैनी सादात को, उनको तो खास सुन्नतों पर ध्यान रखना चाहिए। जब आप सफर में थे, शरीयत का मसला है कि आप सफर में हो और मुसाफरी की हद लग जाए उसके आगे आप निकलो तो अभी नमाज पढ़ो, ये अल्लाह का और कुरान का हुक्म है। चार रकात है तो दो रकात पढ़ो, और फिर सुन्नत वगैरह को छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हैं, आप नहीं पढ़ेंगे सिर्फ दो रकात नमाज पढ़नी है आपको। पांच नमाजों में से हर नमाज को दो पढ़नी है, एक मगरिब की ऐसी नमाज है जिसको तीन पढ़ना है बस, हो सके वाजिबात अदा कर लें फित्र। अब मुसाफिर थे, शरीयत का मसला था, हजरत सैयदना जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह वक्त की किल्लत थी, तो आपने जल्दी जल्दी दो रकात नमाज पढ़ ली, असर की सुन्नत नहीं पड़ी। फिर अपने मकाम पर पहुंचे और सोए, अल्लाह के रसूल खौफ में आ गए। जमात अली अपने आप को आले रसूल कहता है और रसूल की सुन्नत छोड़ता है, इतने लायो थे आप क्या कर रहे हैं? फौरन आपको जवाब मिल जाता। एक दिन गोसे पाक खौफ में आए, ये जुमला बहुत प्यारा दे रहा हूँ, हजरत सैयदना जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह को हुजूर गोसे पाक खौफ में आए, जब गोसे पाक का दर्शन किया, गोसे पाक से मुसाफा किया, उनको उनके हाथ और कदम को कोसा दिया, और जमात अली शाह पूछते हैं सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी, इस समय पूरे हिंदुस्तान में आपका नाइब कौन है? जमात अली शाह ने पूछा, अब्दुल कादिर जिलानी, अभी इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में, मैं अखंड हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये 150 साल पुरानी बात है, जमात अली शाह को पढ़ते हुए 150 साल हो गए, अखंड भारत की बात कर रहा हूँ। जब पीराने पीर से पूछा गया, अब्दुल कादिर जिलानी इस वक्त तुम्हारा नाइब कौन है? तो अब्दुल कादिर जिलानी ने जवाब दिया, मेरा नाइब इस वक्त बरेली में अहमद रजा है। पता चला ये नबी के भी करीब थे, वली के भी करीब थे। आप मस्जिद हरम में पहुंचे, देखिए तो वहां पर कुछ तकरीरें चल रही थी जिसमें ये दाफिउल बला पर मुख्य तबसरा हो रहा था। जमात अली शाह ने पूछा मुफ्ती साहब से, मुफ्ती साहब दुरूद ताज पढ़ना कैसा है? तो मुफ्ती साहब ने कहा कि दुरूद ताज पढ़ना मना है। बोले क्यों? कहा इसमें दाफिउल बला लफ्ज आया है और ये खुदा के सिवा किसी के लिए नहीं है, दाफिउल बला अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। हजरत सैयदना जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह खामोश हो गए, महफिल में बैठे रहे, अपने सर को झुकाया और अपने गरेबान में मुंह को डाला और रोते रहे, रसूलुल्लाह को याद करते रहे। सामने गिराम एक बहुत प्यारा जुमला कह दो, मक्का मदीना जाना है तो पैसे जमा करने की जरूरत नहीं है, न पैसे जमा करने की जरूरत है न दौलत जमा करने की जरूरत है। मैंने हजारों वाकियात सुने हैं, इस हिंदुस्तान की धरती पर मातार हज करने नहीं गया ये साबित है, मगर कोई नबी का दीवाना बाकी नहीं रहा ये भी साबित है, नबी का दीवाना बाकी नहीं रहा ये साबित है। मुगल नहीं गए,
मुख्तलिफ मालदार नहीं गए, पता चला आप सो गए, अंदर ही अंदर सो गए। अल्लाह के नबी ख्वाब में आए, जैसे रसूलुल्लाह जमात अली के ख्वाब में आते हैं, सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, आका ये दरूद ताज के ताल्लुक फरमाता है, ये मुफ्ती कहता है कि दरूद ताज पढ़ना मना है, इसमें दाफियुल बला है, या रसूलुल्लाह इसको क्या जवाब दूं? अल्लाह के रसूल कहते हैं इसको जवाब दे दे कि मोहम्मद के जाने से पहले मदीना था क्या? मदीना शरीफ आमेना का लाल नहीं गया था, उससे पहले मदीना मदीना नहीं था, यसरब था, यसरब था। और यसरब का माना क्या होता है? बलाओं का सेंटर, पूरी दुनिया की बला जहां उतरती थी उसे यसरब कहते। कोई घर ऐसा बाकी नहीं जहां बीमार ना हो, अलग अलग किस्म की बीमारियां थी, कोई हाथ का, कोई कान का, कोई नाक का, कोई सीने का, कोई हाथ का, कुछ आजाए बदन का, अंदर का बीमार, बाहर का बीमार, घर घर में बीमारी थी, इसलिए कि पूरा मदीना बीमारियों का घर था। कहा इसे पूछ मदीना से पहले ये सब क्या था? कहा या रसूलल्लाह जवाब मिल गया, अल्लाह के रसूल चले गए। फिर जमात अली शाह कहते हैं मुफ्ती साहब एक सवाल है। कहा अभी तो जवाब दिया। कहा उसी के ताल्लुक से दूसरा सवाल है। बोले क्या? बोले आप इतिहास जानते हैं? मैं जानता हूँ। तो जो अभी मदीना शहर है उसका जूना और पुराना नाम क्या है? तो मुफ्ती साहब ने कहा यसरब। तो मदीना क्यों कहते हैं? तो मुफ्ती भूल गया और मजबूर होकर मुफ्ती को कहना पड़ा मदीना तो यसरब था मगर आमेना के लाल ने कदम रख दिया, बलाए दूर हो गई, उसे कहिए ले दिया जाए। रसूल अल्लाह कदम रखे बलाए दूर हो जाती है, और जो रसूल अल्लाह को याद करे उसकी भी बलाए दूर हो जाती है। हम दावे बला मानते थे, मानते हैं और मानते रहेंगे, मगर मेरा खुलासा कलाम ये है कि आप आशी के रसूल बने, दुनिया की कोई ताकत आपको मजबूर नहीं करेगी। अभी मुसलमान बने मगर होशियार बन गए, मुसलमान है मगर डॉक्टरों की, हकीमों की, वकीलों की बातों पर मुतवज्जे हैं। हम अभी रसूलल्लाह की दीवाने नहीं बने, रसूलल्लाह के गाड़े नहीं बने, रसूलल्लाह के पिताई नहीं बने, इसलिए कि जो रसूल का मस्ताना होता है वो कोतड़ी पर बैठकर पूरे हिंदुस्तान में हुकूमत करता है। आशी के रसूल बने, इंशाल्लाह तुम्हारा भी वीजा लग जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको कॉफी के रफी कदम फरमाए और सरकार की सच्ची भक्ति मोहब्बत नसीब फरमाए।